नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोस्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। रांची कॉलेज के तीसरे दीक्षांत समारोह में कुछ विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिला है। उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मेहनत लगी है उनको इस गोल्ड मेडल पाने में और किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे छात्र हैं जिनको आज गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। छात्रों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं इस गोल्ड मेडल पाके। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतने दिनों की मेहनत जो है कि आज रंग लाया है, और दिल से बहुत थैंक हमारे फैकल्टी मेंबर्स का, ऑल जितने भी कॉलेज के स्टाफ थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और हमारे डिपार्टमेंट के जो हेड थे उन्होंने, उन्हीं की बदौलत जो है कि आज हम लोग को गोल्ड मेडल मिला है। और मैं तो भाग्यशाली हूँ कि ओवरऑल टॉपर मैं यूजी में भी रहा हूँ, पीजी में भी रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे 4 गोल्ड मेडल मिला है। मैं पढ़ाई जो है अपने अकॉर्डिंग बहुत कड़ी मेहनत के साथ में करता था, जिसकी वजह से जो है कि ये गोल्ड मेडल मैं प्राप्त कर पाया हूँ। कौन से सब्जेक्ट में आपको गोल्ड मेडल? उर्दू में। उर्दू में ये 4-4 गोल्ड मेडल है, 4-4 गोल्ड मेडल ओवरऑल ह्यूमैनिटीज़ का 2 गोल्ड मेडल है यूजी के लिए और पीजी के लिए, और 2 गोल्ड मेडल है डिपार्टमेंट के लिए। इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे कि आज ये 4 गोल्ड मेडल आप जो अचीव किए हैं? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का को मैं डेडिकेट करता हूं। उनकी जो मेहनत और सपोर्ट की बदौलत ही मुझे ये गोल्ड मेडल मिला है। सबसे पहला अगर हक इस गोल्ड मेडल पे किसी का है तो मेरे अभिभावक का है, माता और पिता का है। उसके बाद में जो है कि हमारे गुरु, हमारे टीचर, उनका है, और मैं अपनी वाइफ का भी बहुत ही उसको भी मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा कि हम लोग एक साथ में ग्रेजुएशन और पीजी किए थे, उसका भी सपोर्ट हमारे साथ बहुत बड़ा रहा, जिसकी वजह से मुझे ये गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाया। 4 गोल्ड मेडल आपको मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं और किसको इस गोल्ड मेडल का श्रेय आप देना चाहेंगी? जी, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, और ये पूरा श्रेय मेरे पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे पढ़ाई को लेकर के, और मुझे अभी तक वो सपोर्ट करते कि तुम्हें करियर में जो भी करना है वो तुम कर सकती हो, वो तुम्हारा डिसीजन रहेगा। तो ये सारा श्रेय तो पहले मेरे पापा को जाता है, दूसरे मेरे टीचर्स को जाता है जो यहाँ पे रहे, जो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, राजकिशोर नाशाद सर्वोत्तम सर, नलनीकांत सर, अभय सर, इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और बाकी स्टाफ मेंबर जो नॉन टीचिंग भी हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया लाइफ में, तो एवरीथिंग गोज़ फॉर देम। कौन से सब्जेक्ट में आपको गोल्ड मेडल दिया? मुझे ज्योग्राफी के लिए गोल्ड मेडल मिला है, और मतलब जैसे कि ये मास्टर्स ओवरऑल और ग्रेजुएशन ओवरऑल और अपने डिपार्टमेंट सब्जेक्ट वाइज 2 मिला है जी। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से अध्ययन करें, जो कि आप जो मुकाम हासिल किए हैं, जो छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से सम्मानित किया जाए? जी, मेहनत तो करना पड़ेगा उन्हें डेफिनेटली, पर मैं ये बोलूँगी कि एक साथ सब कुछ ना लेकर के बैठे, पार्ट पार्ट वाइज आप जब लेकर के हर चीज़ को बैठेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन पहले सब कुछ लेकर के बैठे, आपको रेगुलरली एवरी डे पर्टिकुलर सिलेबस के वाइज आपको जाना चाहिए, कम से कम दिन में, कम से कम नहीं आपके पास टाइम है तो 2 घंटे भी अपने आप अपने सब्जेक्ट को तो ज़रूर दें, ताकि आप और अपने आप को डेवलप कर सकें जी। आपको भी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, किस विषय में आपको? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कैसा महसूस कर रहे हैं, और जो छात्र तैयारी करें उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा यदि आप बताना चाहें? काफ़ी हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिलेबस के अनुसार उचित ढंग से पढ़ना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए, ज़्यादातर संभव तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ें, इस सरकार वो अपने मेहनत करें। आपकी कैसे क्या तैयारी रही जो कि आप इस मुकाम तक पहुंचे और गोल्ड मेडल हासिल? इसका तैयारी हम ग्रेजुएशन ही से किए थे, ग्रेजुएशन में नहीं हो पाया तो पीजी में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई किए, और हर सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करने का तैयारी किए, इस चलते हमको गोल्ड मेडल। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। आप देख सकते हैं कि और भी हमारे साथ छात्र हैं। कौन से विषय में मैडम आपको दिया गया गोल्ड मेडल? उड़िया में। जी, उड़िया में। तो आप झारखंड में हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको उड़िया बोलने में, इसके संदर्भ में आप कुछ बताइए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं उड़िया में, लेकिन हाँ मैं एक्चुअली शादी के बाद मैं पीजी की थी, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ घर को संभालना, फिर स्टडी देखना, तो फिर मेरे पूरा सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड,
वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए पढ़ाई में, तो मुझे इतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, मैं आज एक एग्जाम्पल हो जाऊँगी सबके लिए, जो लोग सोचते हैं कि शादी के बाद फिर पढ़ाई करना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन ये नहीं। अगर लगन से पूरी मेहनत से आप पढ़ाई करिएगा ना, तो एक एक मिनट का अगर आप ठीक इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर ज़िंदगी में ज़रूर से सफल होइएगा। तो उस सारे विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत कीजिए, समय का बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक एक मिनट जो है ना वो जाता है फिर वापस नहीं आता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। परिवार वाले आपको पूरा सपोर्ट? मेरे पेरेंट्स, खास करके भगवान जगन्नाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया कहूँगी। आज जो भी कुछ हूँ मैं उन्हीं के चलते, भगवान के बिना तो हम लोग का कुछ नहीं है। शादी के बाद नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे फैमिली में सब कोई मुझे बहुत सपोर्ट किया। परिवार पूरा सपोर्ट? परिवार, खाली मेरे मदर इन लॉ जो है उनको पसंद नहीं था कि शादी के बाद फिर पढ़ाई करें, बट उनको भी मैंने कैसे भी मना लिया और आज सब कोई खुश है, मैं भी खुश हूँ। आज जो भी कुछ है उन्हीं लोग के बदौलत में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नमिता नायक, एक्चुअली शादी के बाद मिश्रा हो गया तो नमिता नायक मिश्रा हूँ, और मैं पीजी में उड़िया विषय में टॉप की हूँ। विषय में आपको गोल्ड मेडल मिला है? इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास में? हाँ। तो इतिहास से लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है, इतिहास के विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे कि इतिहास को किस प्रकार से पढ़ा जाए, जो कि इतिहास से सीख लेके वर्तमान के दौर में आप आगे बढ़ सकें? देखिए, किसी का भी अपना भविष्य तय करना, जब तक वो अपने अतीत को नहीं जान पाएगा तब तक अपना भविष्य तय नहीं कर सकता, तो इसीलिए इतिहास सबसे एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है हम लोगों के लिए। और एक बहुत सा लोगों का कहना है कि बहुत बोरिंग है, पर लेकिन ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। और आने वाले समय में जैसे सभी कोई सिविल सर्विसेज या जेपीएससी, यूपीएससी, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम का जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। और मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं शिक्षक हूँ, गोसना कॉलेज का इंटर का मैं शिक्षक हूँ इतिहास का। और आने वाले समय में किसी को भी अगर पढ़ने में या तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनका हम समय सहायता करेंगे। अच्छा, पारंपरिक जो ये झारखंड का जो ड्रेस है वो पहन के आए हैं, और जैसे कि झारखंड में मतलब सुदूरवर्ती इलाके में कुछ शिक्षा की जो कमी है उसको आप किस प्रकार से, यदि आपको बदलने का मौका मिला तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से बदला जाए? जैसे कि अभी तो जैसे हो ही रहा है, अब जैसे सरकार द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को सही तरीके से अगर सही शिक्षण प्रक्रिया में अगर उनको सही तरीके से पढ़ाने अगर सिखाया जाए और सही शिक्षक जो वहाँ पर उनका जो जिनका वैल्यू है उनको वैल्यू अगर बताया जाए, शिक्षक एक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज़ से काफ़ी उनको सुधार हो सकता है। और धीरे धीरे हो रहा है, और आने वाले समय में झारखंड भी एक बहुत बेहतरीन राज्य बनकर हमारा उभरेगा। इनको श्रेय देना चाहेंगे इस गोल्ड मेडल का? इनका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपनी दीदी को देना चाहूँगा, बहुत सपोर्टिव थे वो लोग। कभी भी किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना करने के लिए हमको सोचना पड़ता था, लेकिन उनके द्वारा हमको बहुत सपोर्ट मिला, सहायता मिला, जिसके कारण आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। क्या नाम हुआ? जैकब लकड़ा। में आपको ये गोल्ड मेडल मिला केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, कैसा महसूस कर रहे हैं गोल्ड मेडल को अचीव करके? अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा देर मिला है पर मिल गया है। गोल्ड मेडल का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय माता पिता और दोस्तों को देना चाहूँगा। जो छात्र है जैसे कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी, अभी तो जितना जो भी सब्जेक्ट में है उनको तो अपना बेस्ट देना चाहिए, है ना, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनका जितना मेहनत होता है उतना मेहनत करना चाहिए, है ना। अभी तो बीएससी है, बहुत आगे जाना होता है। और आपको कौन से विषय में गोल्ड मेडल मिला है? केमिस्ट्री में ही मिला है। केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री की तैयारी अमूमन देखा जाता है कि बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने से भागने की कुछ बहुत पेचीदा होता है, क्या संदेश देना चाहेंगे जो छात्र मेहनत कर रहे हैं केमिस्ट्री में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, केमिस्ट्री को समझने की जरूरत है, केमिस्ट्री बहुत पेचीदा नहीं, वो बहुत ही सहज और सरल है, यह बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। अगर इसमें किसी भी चीज़ों को, वैसे कोई भी चीज़ें पेचीदा होती नहीं, कुछ भी चीज़ें होते हमें इस सब्जेक्ट को विपत्ति की तरह लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, यह दिनकर की पंक्ति है। अगर इन पंक्तियों से हम प्रेरणा लें तो कोई भी राह हमारे लिए आसान हो जाती है।
दिनकर की पंक्ति की आप यहाँ पे उदाहरण पेश किए, और इसका जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जो आज गोल्ड मेडल जो आप अचीव किए हैं, अमूमन किसको श्रेय आप देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने शिक्षकों और अपने माता पिता को दूंगा, और दूसरा श्रेय जो होगा वो मेरे दोस्तों को, इन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, हम दोनों ने साथ में रहकर गोल्ड मेडल लिया है, इन्हें भी गोल्ड मेडल मिला है, मुझे भी मिला है। दोस्त अक्सर एक दूसरे का साथ दिए हैं। बिल्कुल, आप दोनों दोस्त हैं एक ही सब्जेक्ट में? एक ही सब्जेक्ट में, बस एक सेशन का डिफरेंस था। इनका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त हुआ मुझे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुल देव है। तो देखा आपने, छात्रों में काफ़ी खुशी है का माहौल है, इसके साथ ही छात्र इस गोल्ड मेडल का श्रेय अपने माता पिता, दोस्तों को और शिक्षक गणों को दे रहे हैं, और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करने से सब कुछ इस दुनिया में हमें हासिल हो सकता है, जो कुछ हम चाहते हैं। अपने सहयोगी तपेश के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, धन्यवाद।